नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़ाई की, एक ऐसे द्वंद की जो हर इंसान के दिमाग में हमेशा चलता रहता है। और वो लड़ाई क्या है? वो लड़ाई है कर्म और भाग्य की। इंसान हमेशा ये सोचता है कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। तो आखिर हम किसको महान माने, कर्म को माने या भाग्य को माने? कुछ लोगों का तर्क यह है कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जीवन में आपको कुछ पाना है, जीवन में कुछ बनना है या अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करना है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बिना कर्म के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाग्य को ही सब कुछ मानते हैं कि अगर आपके भाग्य में ही कुछ नहीं है तो आप कितने भी कर्म कर लो लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो आखिर क्या है सत्य, भाग्य या कर्म? तो किसको हम महत्वपूर्ण माने और किसकी राह हम चले, भाग्य की राह पे चले या कर्म की राह पे चले? तो यही चीज हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कौन महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कर्म की, क्योंकि सभी लोग कर्म कर्म बोलते हैं, हम पहले कर्म की बात कर लेते हैं। तो तुलसीदास जी ने भी कुछ जगह पे लिखा है कर्म के बारे में, जैसे एक चौपाई उन्होंने लिखी है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर रहे सो तस फल चाखा। इसका मतलब यह कि पूरे विश्व जो है वो कर्म का प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व है, यहाँ पे कर्म करना पड़ता है, जो जैसा करता है उसको उसी प्रकार से फल मिलता है, इस चौपाई का ये अर्थ हुआ। दूसरी चौपाई एक और भी लिखी उन्होंने कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। मतलब इस दुनिया में सब कुछ है, हर प्रकार की चीज उपलब्ध है, लेकिन जो कर्महीन है मतलब जो कर्म नहीं करते हैं उन लोग के लिए कुछ भी नहीं है, उन लोग को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। ये मतलब है इस चौपाई का। इस अगर देखा जाए तो इन दोनों ही चौपाई में कर्म को ही श्रेष्ठ माना गया है, कर्म के द्वारा ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, ये तुलसीदास जी ने इन दोनों चौपाई में कहा है। अगर हम श्रीमद् भागवत गीता की बात करें तो उसमें भी यही लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इट मीन्स कि आप कर्म को ही सही मानिए, कर्म ही आपके हिस्से की बात है, कर्म ही आपके अधिकार में, आपको कर्म करते रहना है, भाग्य की चिंता आपको छोड़ देना है। तो अगर हम तीनों बातों को ध्यान में रखें तो इससे ये पता चलता है कि कर्म ही सब कुछ है और कर्म से ही सब कुछ प्राप्ति हो सकती है। कुछ लोगों का मत भी है, और साथ ही ये भी देखा जाए तो भारतीय मत जो है, यानी भारतीय संस्कृति भी ये कर्म को ही प्रधान मानती है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर कर्म ही सब कुछ है तो इंसान फिर भाग्य को क्यों मानता है, भाग्य की बातें क्यों करता है? भाई भाग्य की बातें करने नहीं चाहिए, जब कर्म से ही सब कुछ होना है तो क्यों वो भाग्य की बात करता है? तो चलिए मैं कुछ भाग्य की बातें आपको बताता हूँ। महाभारत का एक छोटा सा वृतांत बताता हूँ। जब कुंती ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, सुराग फूल विद्याश्च बने तिष्ठति मे सुतः। कुंती कहती है कि मेरे महाबली पुत्र है, विद्वान पुत्र है, कर्मशील पुत्र है, इनके बावजूद भी हमें बन बन भटकना पड़ रहा है, क्योंकि भाग्यहीन व्यक्ति की विद्या पौरुष शक्ति सब कुछ निरर्थक है। यानी अगर कोई इंसान भाग्यहीन है, मतलब जिसके भाग्य नहीं है, तो उसके पास चाहे कितनी भी विद्या हो, कितने भी गुण हो, कितनी भी उसमें टैलेंट हो, वो किसी काम का नहीं है अगर उसके पास भाग्य नहीं है तो। कुछ लोग बोलते हैं कि 99% जो है वो आपकी मेहनत होना चाहिए और 1% भाग होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं और कुछ ऐसा बोलते हैं कि 99% आपकी किस्मत होना चाहिए और 1% भी अगर आपकी आपका जो कार्य है या आपकी जो कर्म है वो होगा तो आपका काम बन जाएगा। चलिए मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म से ही सब कुछ मिल सकता है। तो ये बताइए कि तो एक मजदूर जन्म से लेके मरने तक लगातार काम करता है, बिना थके काम करता रहता है, यानी कर्म करता रहता है, लेकिन वो हमेशा मजदूर ही बना रहता है। आपने देखा वो हमेशा मजदूरी ही करता रहेगा, वो कभी सेठ नहीं बनेगा, मतलब वो कभी मालिक नहीं बनेगा। बहुत कम ऐसा शायद है कि एक दो उदाहरण आपने सुने हो तो बहुत बड़ी बात है, बाकी अक्सर देखो मजदूर मजदूरी करते ही मर जाते हैं लेकिन वो मालिक नहीं बन सकते। इसका मतलब क्या उनके कर्म में कोई कमी थी? कर्म तो वो कर रहे थे, अगर वो कर्म कर रहे थे तो उनका उनको बड़ा बनना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर उनका भाग्य उनके साथ नहीं है, इसीलिए वो लगातार मजदूरी करने के बाद भी बड़े आदमी नहीं बन सके। मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, भगवान राम का एग्जाम्पल आपको देता हूँ। भगवान राम ने ऐसे कौन से बुरे कर्म करे थे, भगवान राम ने ऐसे कौन से बुरे कर्म करे थे कि जिनका सुबह राज्याभिषेक होने वाला था उनको सुबह वनवास हो गया, क्योंकि उन्होंने तो सब कोई बुरा काम नहीं किया था, उन्होंने तो सबकी सेवा ही की थी, तो जिन्होंने वनवास दिया उनको ही वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, इसके बाद भी उनको वन में जाना पड़ा। ये क्या है? ये भाग्य तो है,
कर्म तो उनके कोई खराब नहीं थे। देखिए दोनों तरफ से मैंने कर्म के लिए भी मैंने आपको तीन एग्जाम्पल दिए और भाग्य के भी आपको तीन एग्जाम्पल दिए, और तीनों ही एग्जाम्पल को आप नकार नहीं सकते, तीनों ही एग्जाम्पल अपनी अपनी जगह पे श्रेष्ठ हैं। तो इससे तो हमको कन्फ्यूजन हो गया कि यार अगर कर्म भी महान है, अगर भाग्य भी महान है, तो फिर क्या करें? इंसान तो डिलेमा में पड़ गया ना, कन्फ्यूजन हो गया उसको, क्या करें आखिर? तो चलिए एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, हो सकता है उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आए। जैसे आपने कभी सुना होगा कि जो बैंक होती है, बैंक में लॉकर होता है, सुना है आपने? बैंक में लॉकर होता है जिसमें आप अपने पैसे या अपनी ज्वेलरी कुछ रख सकते हैं, ठीक है? तो बैंक में जब लॉकर सुविधा लेते हो तो उसमें दो चाबियां होती है, दो कीज होती है, एक की यानी ड्यूल की बोलते हैं उसको, एक की आपके पास रहती है जिसका लॉकर होता है और एक की बैंक के पास होती है। और वो जो लॉकर है वो दोनों की से ही खुलता है, एक की से कभी नहीं खुलता। यानी आप चाहो कि आप जाके लॉकर में अपनी की लगा के और अपना चीज लेके आ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ना ही वो बैंक का जो मैनेजर है या बैंक का कोई भी जो वहाँ पे कर्मचारी, वो भी उस की से उस लॉक को नहीं खोल सकता जब तक कि आपकी चाबी उसमें नहीं लग जाए। तो इससे मतलब ये होता है कि इंसान को उच्च पद प्राप्त करने के लिए या जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दोनों का ही होना जरूरी है। अगर कर्म और भाग्य दोनों जब तक एक साथ नहीं लगेंगे किसी इंसान के साथ, तब तक उसकी उन्नति या उसको उच्च शिखर तक की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आज के हमारे इस डिस्कशन से ये मतलब निकलता है कि अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना है, जीवन में अगर कुछ बनना है, कुछ भी ऊपर वाले ने अगर आपको कुछ देना है, तो तभी वो संभव है जबकि आपका किस्मत और आपके जो कर्म है दोनों ही पैरेलल रूप में काम करेंगे, तभी आपको कुछ मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। क्योंकि बिना कर्म किए आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा और बिना भाग्य के आप कर्म करोगे नहीं, क्योंकि जब तक आपका भाग्य ही साथ नहीं देगा तो आप कर्म भी नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आपका मन तो बहुत है करने का, यार मैं ये करूं वो करूं, लेकिन भगवान ने आपको हाथ ही नहीं दिए, कैसे करोगे? इसका मतलब है कि भाग्य का और कर्म का दोनों का होना जरूरी है, तभी आप कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इस विधि की जानकारी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये बातें अच्छी लगी, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।